What is up guys? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं How Kurama and Rinnegan will come back in Boruto manga। इस टॉपिक के ऊपर मेरे कुछ थॉट्स थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुरामा के रिटर्न के बारे में। बहुत लोगों को अब भी उम्मीद लगी हुई है किसी मोटो सर से कि वो किसी भी तरह से कुरामा को रिटर्न कर दे बोरुटो मांगा में। मांगा में तो यही दिखाया गया है बैरियन मोड यूज करने के बाद जिनचुरी की तो बच जाता है, लेकिन टेल बीस्ट इससे बच नहीं पाता क्योंकि टेल बीस्ट अपना पूरा चक्र न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल कर देता है। कुरामा ने भी जाने से पहले यही कहा था कि यही उसका अंत है, लेकिन कुरामा का रिटर्न कुछ ऐसे हो सकता है कि कुरामा फिर से रीजनरेट हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। जब रिन नोहारा थ्री टेल्स की जिनचुरी की थी और वो जब काकाशी के चिडोरी से मर जाती है तब तो थ्री टेल्स भी मर जाता है, लेकिन 5-6 साल बाद थ्री टेल्स फिर से रीजनरेट हो जाता है। इट मीन्स टेल बीस्ट तो नहीं मरते हैं। तो इसी को बेस मानकर हम ये मान सकते हैं कि कुरामा फिर से रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये था कुरामा का रिटर्न। अब देख लेते हैं रिनेगन कैसे वापस आने वाला है। जब बोरोशिकी अपनी कुनाई से सास्के के रिनेगन को स्टैप कर देता है तो हमें सास्के से ये सुनने को मिलता है कि अब वो रिनेगन इस्तेमाल नहीं कर सकता, रिनेगन अब उसके पास नहीं है। लेकिन रिनेगन वापस आने का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो पहला तो ये है कि सास्के विल कास्ट इज़नागी ऑन हिम। बहुत सारे बोरुटो फैंस या फिर नारुतो फैंस यही सोच रहे हैं कि सास्के अपने ऊपर इज़नागी कास्ट कर दे, इसका मदद से उसका रिनेगन तो वापस आ जाए लेकिन उसका शारिंगान उसी की वजह से लॉस्ट हो जाए। ये थ्योरी अच्छी है, बट सास्के इतना भी पागल नहीं है कि वो अपना इटरनल मांगे कि शारिंगान एक रिनेगन की वजह से, जो कि वो ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हिज लेस चक्रा रिजर्व, सैक्रिफाइस कर दे। लिटरली सास्के रिनेगन यूज करने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज लेस चक्रा। बट एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है सास्के अपना शारिंगान सैक्रिफाइस करके इज़नागी कास्ट कर दे और रिनेगन को वापस ले ले। सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम काबुटो ने हाशिरामा सेल्स को इस्तेमाल करके सास्के की हार्ट ब्लीडिंग को रोक दिया था। इसका मतलब सास्के के पास हाशिरामा का डीएनए भी है, तो हो सकता है कि वो अपना रिनेगन आए जो कि स्टैब होके डिस्ट्रॉय हो चुका है उसे हील करा ले नारुतो के हीलिंग टेक्निक की मदद से, और उसके बाद वो खुद से वन आईड रिनेगन अवेक कर ले जिससे उसका शारिंगान भी सैक्रिफाइस नहीं होगा और उसे रिनेगन भी मिल जाएगा। ये थ्योरी मस्त है। मैंने आपको दोनों ही कुरामा और रिनेगन का रिटर्न के बारे में जितना हो सके मेरी तरफ से जानकारी दे दिया है, लेकिन ये हो सकता है कि शिमोटो ऐसा करे ही ना, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये शो बोरुटो के ऊपर है ना कि नारुतो के ऊपर या फिर सास्के के ऊपर। तो हो सकता है कि कुरामा और रिनेगन कभी वापस ही ना आए, जैसे कि नारुतो और सास्के का पावर थोड़ा लो दिखाया जाए और इसी से शिमोटो बोरुटो को एक पावर जंप दे दे। कुछ फैंस को ये अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन शो के हिसाब से बोरुटो को ही मेन पावर मिलना चाहिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। पीस आउट।